देसी किचन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की डिश है सत्तू के पराठे और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, बड़ी 2 कटोरी आटा लिया है 4 लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, वो रहेगा 1/2 टेबल स्पून। इसके साथ में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने, ज़रा सा ही, और इसको थोड़ा मैश करेंगे, मिलाएंगे इसको हाथ से अच्छी तरीके से, जिससे कि पूरा ऑयल जो है वो आटे में भिन जाए। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम आटे को रेडी करेंगे। ये आटा गूंथ गया है। अब मैंने लिया है ये चने का सत्तू और इसमें ऐड करने के लिए ये प्याज, मैंने 1 बड़ी प्याज का आधा लेके उसको कट किया है, थोड़ी सी प्याज भी है। नमक डालेंगे उसमें, ये चने के सत्तू में सारा चीज़ें ऐड करेंगे। ओके, कलौंजी, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून और ये 3 मिर्चें लिए हैं छोटे छोटे कट करके। ये है लहसुन का पेस्ट बना लिया है, 3 से 4 लहसुन के थे तो उसको पेस्ट बना लिया है। देन ये जिंजर का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट। ओके, अब ये सारी चीज़ें हमें इसमें ऐड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये चने के सत्तू में ऐड करेंगे। ये मैंने मिर्ची ऐड कर दी है, ये गार्लिक पेस्ट, बाद में जिंजर पेस्ट और ये कटी हुई प्याज। प्याज को ध्यान रखना है कि बारीक बारीक कटना है, काटना है आपको, क्योंकि जब आप उसको बेलेंगे आटे में भर के लोई में, तो वो आपका अच्छे से बेलने के लिए आराम से बेला जाना चाहिए। आगे देखें, थोड़ा सा नमक डालेंगे। ओके, थोड़ी सी कलौंजी, और ये अजवाइन हाथ में थोड़ा सा मल के उसको भी डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा ये सरसों का तेल डालेंगे, ये पूरा टिपिकल इंडियन फ्लेवर देगा आपको। ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि हम सेकते समय भी ऑयल का यूज़ करेंगे। उसके साथ में मैंने लिया है ये घर की बनी हुई आम की चटनी है, आम का अचार कह सकते हैं आप इसको, तो ये थोड़ा ऐड करेंगे। अब इसके साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे कि ये सूखा सा ना रह जाए और अच्छे से ये मैश हो जाए। ओके, पूरा हर सारी चीज़ें मैश कर लेंगे एक साथ में। फ्रेंड्स, ये देखिए मिक्सर मैंने रेडी कर लिया है और ये ऐसा मिक्सर हो गया है कि ये हाथ में बधा रहा है अच्छे से। अब इसको हम उसमें भरेंगे, ठीक है। ये लोई रेडी हो रही है आटे की। फ्रेंड्स, ये लोई रेडी है, अब इसमें ये भरवा भरेंगे इसका। ओके, इसको किनारे किनारे पे पतला रखना है, जिससे कि वो अच्छे से बंद हो जाए भरने के बाद। फ्रेंड्स, नॉर्थ इंडिया में अभी थोड़ा सा बारिश का मौसम चल रहा है, तो ये ऑयली चीज़ें और गरम गरम से सत्तू के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं चटनी के साथ में। तो ये देखिए रेडी हो गया है, अभी थोड़ा थोड़ा सा आटा लगा के इसको बेल लेंगे। और इसको ऐसे बेलना है आपको कि ये फटे नहीं, क्योंकि इसमें जो प्याज है और लहसुन है ये सब थोड़ा सा फट सकता है, तो हल्के हल्के हाथों से आपको बेलना है।
हल्के हल्के हाथों से बेलना है। चलिए बेल के रेडी हो गया है। अब ये तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तवा गर्म हो गया है, एक्चुअली ये धीमा करके छोड़ दिया था हमने। ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब इस पर ऑयल फैला देंगे। और फैलाने के बाद इसमें पराठे डालेंगे। तब तक इधर दूसरी रोई बना लेंगे और इसको भी भर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा है कि ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ब्लैकिश दिख रहा है, इसका मतलब ये नीचे से हो गया। अब इसको पलट देंगे और उसमें हाफ टेबल स्पून या आप जैसा तेल खाते हैं ज़्यादा या कम, हमें वैसे तेल कम ही खाना चाहिए, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह का दिक्कत हो जाता है, तो थोड़ा सा तेल लगाएंगे और नीचे का सिकने देंगे पूरा। अब पलट के इसको दूसरी साइड में भी तेल लगा लेंगे। फ्रेंड्स, ये पराठा सिक गया है, एक बार फिर से पलट के देख लेंगे। अब ऐसे ही दूसरा भी सेक लेंगे, दूसरा पराठा भी रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा पराठा भी बनके तैयार है, अब इसको भी उतार लेंगे। पहला ऑलरेडी हमने सेक लिया है। चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं बाकी के पराठे भी सेक लेंगे हम लोग। और इस पराठे को आप दही के साथ में और आलू टमाटर की सब्जी या फिर चटनी के साथ, हरी चटनी धनिया की, उसके साथ खा सकते हैं। ओके, और लोग यहाँ पे तो सफ़र में ले जाना इसको पसंद करते हैं, नॉर्थ इंडिया में। ओके, सो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू।